दुख वेख जगता हूँ तेरे इश्क में ही जलता हूँ। जो तू प्यार से वेख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ मैं। मेरी रूह में तू बसा है, हर सोच में तू सजा है। जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ। रब्बा वे की करा सोनिए सुन जरा, तेरे इश्क दे नशे विच मन लगया। रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया 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 तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया तो यार। अच्छा स्टार्ट तो करो ना, फिर पता चलेगा। हेलो अभी कर। हाँ थैंक गॉड यू हैव टेकन माय कॉल। पहुंच गई ऑफिस। हाँ और वहाँ लोगों के साथ आज पहला दिन है, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं। अगर कुछ खाने को दे तो बिल्कुल जस्ट से नो। मम्मी मैं ऑफिस आई हूँ, स्कूल नहीं। मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दें। नहीं क्यों, कैसे छोड़ दूं? इकलौती औलाद हो तुम मेरी, कैसे छोड़ सकती हूँ? नई जगह पे पहला दिन है तुम्हारा, न जाने किस तरह का माहौल होगा। नजर तो रखनी पड़ेगी मुझे। डिग्री होल्डर हूँ मैं, अकल है मुझे, और माहौल ठीक है, और वैसे भी फरा है ना मेरे साथ। भाई फरा अपनी जिम्मेदार है, तुम हमारी जिम्मेदारी हो। ऑब्वियसली अब तुम्हारे डैड को कोई फिक्र नहीं है, तो क्या मैं भी फिक्र छोड़ दूं? हाँ मम्मी मुझे अब जाना है, मेरे बॉस आने वाले हैं, और आप प्लीज बार बार कॉल मत कीजिएगा। खाना टाइम पे खाना पप्पी। मैंने आपसे कहा है ना मुझे मत बोला करें, मेरा नाम है जुबाब आदिल, तो जुबाब बोला करें। जुबाब तुम होगी अपने हाईफाई ऑफिस में, मेरे लिए तुम हमेशा और हमेशा मेरी पप्पी रहोगी। ओके मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? कॉलेज में सारे लड़के। पप्पी तेरे पास होनी खुशी, मैं पप्पी ले लूं। मम्मी नाम इंसान की पहचान होता है, मगर हमारे यहाँ नाम इंसान की या तो चिड़ बन जाता है या मरते दम तक उनसे चिमटा रहता है। हाँ जी बताओ क्या प्रॉब्लम है? हे मेरी बहन ये पाइप अंदर से लीक हो गया, इसीलिए पानी बाहर आ रहा है। जी नहीं पाइप बिल्कुल ठीक है, ये जोड़ देखो जोड़ हिला हुआ है, उसको फिक्स करो ना जरा कसो। ए मेरी बहन प्लम्बर मैं हूँ कि आप? मैं कह रहा हूँ कि पाइप लीक हो गया है तो हो गया है। प्लम्बरी में तुमने पीएचडी किया हो, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। ये वाला नहीं दूसरा वाला रेंच इस्तेमाल करो ना, कसो उसको। इससे कस ले तो मेरा क्या जा रहा है? हल्की तरीके से नहीं भाई, और जोर से कसो। ये देखो हो गया, मुझे लगता है हो गया। रुको ये देखो पानी टपकना बंद हो गया ना, बता रही थी तुम्हें जोड़ का प्रॉब्लम है। तुम्हारा बस चलता पूरे घर को खुदवा लेते। आपने क्या प्लम्बरी का कोर्स किया है? नहीं अब कल इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए किसी के चक्कर में नहीं आती। अब अपना सामान समेटो, 500 से 1 रुपया नहीं दूंगी ज्यादा। मम्मी नहीं हुई है मेरी बॉस से बात, जैसी होगी बता दूंगी। व्हाट शिट बदतमीज। व्हाट कहाँ रह गए तुम्हारे मिस्टर खान?
अरे भाई सर कहो ना, नाम लेकर बुलाओगे क्या? जहाँ मैं इंटर्नशिप करती थी ना वहाँ पे नाम ही लेते। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, ये जुबाब, न्यू हायरिंग। जुबाब जी, आपकी पहली जॉब है? जी पहली है। अंदाजा हो गया था मुझे। क्या अंदाजा हो गया था? मुझे ऑफिस एक्सपीरियंस है, मैं पहले इंटर्न ही रह चुकी हूँ। Really? पोर्टफोलियो देख सकता हूँ आपका? हाँ, मेरे लैपटॉप में, आप आके देख लीजिए। तो चलें फिर। Excuse me? आप जा सकती हैं। ओके, चलो। क्या हुआ? हो गए अम्मी की सुबह। फोन देना जरा, मेरा इधर कहीं रखा होगा। जी बीजी, ये क्या? फखरू ने आज भी मेरे मैसेज सुन लिए, तस्वीरें देख ली और मुझे जवाब नहीं दिया। आले जरा घर, खबर लेती हूँ मैं इसकी, तो कुछ समझता ही नहीं है। छोड़ो जाओ तुम। फखरू मेरे बच्चे, कैसे हो? बेटा मैं जानती हूँ तुमने मेरे मैसेज सुन लिए और मुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास डबल टिकी आ रही है और ब्लू हो गया आ रही है, इसका मतलब है तुमने सुन लिया है। अरे मेरे बच्चे, अगर माँ से प्यार करते हो तो प्लीज वो तस्वीरें देख ले, उनका बायोडेटा देख ले और मुझे जवाब दे। और उधर 6 लड़कियों की माँ इंतजार कर रही है तुम्हारे जवाब का। जीते रहो। तो करती रहे इंतजार, मैंने नहीं करनी चाहती। मुझे नहीं पता, मुझे कोई बात नहीं करनी है। ना जो मैंने कहा ना मैं बात करूंगा यार। हाँ, अब बात करूंगा। बात करूं क्या मतलब? बात करूंगा, जाके अभी बात करो। फिर और उन्हें बोलो कि हम दोनों अकेले शॉपिंग पे जाएंगे, हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा। अम्मी तो हरगिज़ नहीं जाएंगी, मैं बता रही हूँ, कुछ भी हो जाए अम्मी नहीं जाएंगी। क्योंकि अगर अम्मी चली गई ना, वो सारी की सारी फखरू के दुल्हन की शॉपिंग करती रहेंगी, मेरे लिए कोई कुछ नहीं लेगा। नहीं मेरी जान, नाराज क्यों हो रही हो? मैं इजाजत ले लूंगा। आपने ले ली इजाजत और मैंने देख लिया। अगर इतनी फिक्र है ना मेरी, तो जाके इजाजत जाओ अभी अभी अभी। हाँ अभी। क्यों क्यों डर लग रहा है? बोलो डर लग रहा है, बोलो 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 कि मुझे डर लग रहा है। देखो ना जो, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। अच्छा नहीं डरते? हाँ मेरे प्यारे सज्जू तो किसी से नहीं डरते, है ना? तो फिर जाइए जाइए, इजाजत लीजिए, जाइए। कम ऑन, गो गो गो। मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस लड़की चाहिए, तू इंटर्न उठा के ले आए। इंटर्नशिप की हुई है उसने, फरा की जानने वाली। बल्कि फरा ये बता रही थी कि इसके वालिद और फरा के वालिद आपस में दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे शहर कराची की है। तो वो क्या यार, मैं तो रोज इस कमरे के बाहर से क्यों आती तुझे? यार मैं जब भी इस कमरे को तो ना, तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत की अधूरी दास्तान याद आ जाती है। वही कमरा है, वही पोजीशन है, पर अब तो इस कमरे की रौनक बहाल हो गई। इंसान से गलती हो जाती है ना, लेकिन मैं लाख भूलना चाहूं तू कभी भूलने नहीं देगा। वो फरा ने मुझे कहा कि अपना पोर्टफोलियो खुद दिखाना चाहिए, ये देखिए। जुबाब आदिल, आप देख लो। नहीं नहीं प्लीज, आपसे पहले जो इस पोजीशन पे काम कर दी थी उनका नाम था जारा मुस्तफा। कितना हसीन इत्तेफाक है ना। जीजी हो गया। पोर्टफोलियो ठीक है आपकी, लेकिन अभी प्रोबेशन पीरियड है। साद और फना हमारी कंपनी के साथ हैं काफी सालों से, कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको तो गाइड कर देंगे। जी वो मैं मदर कीप्स कॉलिंग, दूर रहती है ना इसलिए बार-बार कॉल करती हैं। तो मैंने आपसे कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं मांगी ना? एक्सक्यूज मी जी, एक्सक्यूज मी
वैसे ज़ारा मुस्तफा से बेहतर है जुबाब। हाँ थोड़ी मगरूर है पर गुरूर भी हसीन चेहरों पे ही जचता है। कितनी बार मना किया है तुम दोनों को कि लड़कियों के बारे में इस तरह बात नहीं करते, पसंद नहीं है मुझे। ठीक है तुम लोग दोस्त हो लेकिन ये ऑफिस स्पेस है हमारी, काम पे फोकस कर ले। ओके। पोर्टफोलियो ठीक है इस लड़की की, परफॉर्मेंस अच्छी हो तो रख लेंगे वरना आउट। आउट। ओके बाय। अगर अम्मी अब्बू से बात हो गई हो तो काम पर फोकस कर ले, आज पैदा तुम। सो रूड। अब्बा जी वो एक बात करनी थी आपसे। बोलो। नहीं कुछ नहीं। इधर आओ इधर आओ, बैठे हो इधर। ये नाजो ने जो तुम्हें कांटा चुभोया है ना, उसको निकाल फेंक के जरा खुल के बात करें। अब्बा जी आपको कैसे पता चला? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा। अब्बा जी साफ बात बताओ ना, नाजो शॉपिंग के लिए जाना चाहती है मेरे साथ, मतलब सिर्फ नाजो और मैं, हम दोनों? हाँ। अच्छा तो ये बात है, मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी अम्मा से बात करूं? जी अब्बा जी प्लीज। ठीक। तस्वीर किसकी? यार ये मेरा जिगरी यार, वकार उर्फ नन्ने। अरे नन्ने बब्बू, मैं और विकी, हम सारे मिलके ना, तो ये कैसे नाम है? नन्ना निकनेम रखने में माहिर था, इसलिए मैंने अपने घर वालों के भी इसी तरह। जैसे मेरा नाम नायला से नीली, तुम सजावल से सज्जू, और ये नाजिया से नाजो है। नीली जी। जी सत्तू जी। ये जरा शॉपिंग के लिए। अरे क्या याद करा दिया आपने मुझे, शॉपिंग के लिए तो मुझे जाना है, बहुत जरूरी। अरे इतनी शॉपिंग करनी है, कपड़े जूते लेने, और सबसे बढ़कर फखरू की दुल्हनिया के लिए मैंने शॉल ऑर्डर करनी है बनने के लिए, उसमें बहुत सारा काम है जरिए का, छोटा छोटा, बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों ना जो बेटा, अरे तुम दोनों भी चलना घूमना फिरना, शॉपिंग करना, बहुत दिनों से तुम भी तो नहीं गई हो ना। हाँ क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। अरे भाई फखरू भाई की दुल्हन है ना, उनकी शॉल बनवाना तो बहुत जरूरी है। हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मना लिया तुमने। अरे फखरू की दुल्हन की शॉपिंग के लिए तो आई हूँ मैं। नाजो यार प्लीज। अच्छा बात सुनो, मुझे वो डिजाइन भेज दो शॉल वाला, वो ऑर्डर कर दो ना, फिर टाइम लगता है बनने में। और एक दो डिजाइन जो हमने शर्ट्स के लिए डिसाइड किए थे वो भी भेज दो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी मुझे भेजो, मैं वेट कर रही हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, और भी कुछ डिजाइन देख लेना जो अच्छे लगे, भेज देना। ठीक है, डन, बाय। आई लाइक दिस। नन्ने बताओ कौन सी, ये वाली या ये? अरे किस कदर हसीन और जमील खूबसूरत चेन है, प्लीज फॉर गॉड सेक ये चेन ले लो और मुझे बेचैन करना बंद कर दो, मैं पहले बहुत ख्वार हो चुका हूँ। बस नहीं, बस नहीं, आई थिंक पपी के लिए भी कुछ ले लेते। पपी के लिए तब लेंगे जब उसकी शादी होगी, पता नहीं क्या इनो। ठीक है आप इसे पैक कर दे, मैं पेमेंट करके आता। दोनों ये भी। सत्तू नन्ने, अरे किधर है यार तू? अरे वाह कहाँ चला गया था यार? अरे मैं तो बस इधर ही हूँ। अरे इतने अरसे के बाद नाराज पंछी कहाँ था? यार तुझे तो पता है मेरा इरादा था नौकरी करने का, घर वापस गया तो अब्बा ने फैक्ट्री और काश्तकारी में लगा दिया। एंड यू नो मैं आई एम प्रोफेसर उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें हम पढ़ते थे। लो नन्ना बड़ा हो गया प्रोफेसर। मीट माय गॉर्जियस वाइफ शबो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। और ये मेरी वाइफ नीली। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नन्ने भैया। आप यकीन करें कोई ऐसा दिन नहीं जब ये आपको याद नहीं करते। ओह माय गॉड सेम, नन्ने भी बिल्कुल ऐसे हैं। सत्तू भाई आपका बहुत सुना हुआ है। या यू नो सत्तू,
जो वादा हमने किया था मैं आज भी उस पे कायम हूँ। मेरे घर में सबके नाम जो है ना वो निक नेम है। और मेरे घर में भी। अच्छा। हाँ? और ये देखो ये मेरा बेटा है सज्जू और उसकी बीवी नाजो। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? ओके सज्जू एंड मिसेस सज्जू। बिल्कुल तो फिर डिसाइड ये हुआ कि कल आप सब आ रहे हैं हमारे घर पे खाने पे। अरे नहीं यार, पहले तू मेरे घर आ। नहीं इसमें कोई शक नहीं है कि आपके डैड उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं, लेकिन पहले मैंने कहा सो कल आप लोग हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं। डन। इंशाल्लाह सर। आई थिंक नंबर एक्सचेंज करते हैं। बेटा ऐसे करो कि नंबर जी। हां ले मैं पकड़ जी सर, हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। थैंक यू, बाय। मिस्टर खान आपने मुझे बुलाया था? जी मिस जुबाब, एक्चुअली हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं बाहर से आ रहे हैं, मिस्टर साथ के साथ जाके उनको एयरपोर्ट से रिसीव कर लीजिएगा। इसमें डिटेल्स हैं और हाँ किसी अच्छी रेस्टोरेंट में उनको लंच भी करा दीजिएगा। हाँ डिटेल्स तो मैं ले लूंगी और शेयर भी कर लूंगी। गुड, यही उम्मीद थी आपसे। हाँ लेकिन मैं उनको एयरपोर्ट से पिक नहीं करूंगी और ना ही लंच पे लेके जाऊंगी। बट व्हाई, बताना पसंद करेंगे? जी मुझे नहीं लगता ये मेरी जॉब का हिस्सा है। ओह तो अब आप मुझे बताएंगी कि आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है और क्या नहीं। जॉब करना चाहती हैं कि नहीं? जी मैं करना चाहती हूँ लेकिन I don't care कि आपका क्या मतलब था। I just want an answer. Yes or no? No. DJ fine. No चाहिए आंसर। Leave. लड़की मैडम ये फूल आपके लिए। मेरे लिए? किसने भेजे? मिस्टर खान ने भेजे। किसी और के लिए भेजे होंगे। मैडम आपको ही देने को कहा है, देखें कार्ड भी लगा हुआ है। सैलेड बहुत मजे का। ओह रियली? यप। थैंक यू। लेट्स। शब्बो जी खैर से बच्चे कितने? माशाल्लाह हमारी एक बेटी है पप्पी, लाहौर में जॉब कर रही है। अरे वाह क्या नाम है पप्पी। अरे भाई हमारी दादी को भी तो सब प्यार से पप्पी बाजी बुलाते थे। अच्छा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, दादी को पप्पी बाजी और दादा को पप्पू। लेकिन मेरी बेटी जो है ना पप्पी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही होनहार लाइक बच्ची है। उसने मास्टर्स किया हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग में और लाहौर में जॉब करती है। हैं? अरे हमारे फखरू ने भी तो लाहौर ही से पढ़ा है और लाहौर में ही काम कर रहा है। रियली? यार ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक हो गया। बिल्कुल। शब्बू जी बेटी की कोई तस्वीर है तो दिखाइए। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। जी मेरी तो फोन का स्क्रीन सेवर ही पप्पी है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार सत्तू जी देखे जरा तू। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बहुत प्यार। दो भाई हमारी बहू को भी दिखाओ। कैसी है बेटा? माशाल्लाह।
कोई रिश्ता मंगनी वगैरह की हुई? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन अब इंशाल्लाह इरादा है। हाँ वो हमारा फखरू जो है ना, वो क्या करते हैं सत्तू जी? वो सीनियर टीम लीड है। हाँ वही, और आजकल ना मैं उसके लिए प्यारी सी दुल्हनियाँ ढूंढ रही। पता है यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। तुमने तो मेरे मुंह से बात छीन ली यार। देखो हम जिगरी दोस्त इतने अरसे के बाद मिले हैं, तो क्यों ना अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में ही तब्दील कर लें? मुझे तो कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन आई थिंक बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं भाई, पी से पूछ लो, वक्त ले लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ और तुम भी अपने बेटे यानी के फखरू फखरू से, तुम भी फखरू से पूछ लो। अरे नन्हे भैया, हमारा फखरू इनकार कर ही नहीं सकता, बहुत फरमा गद्दार बेटा है हमारा, कोई बात नहीं टालता हमारी। बस अब तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जल्दी से फखरू की दुल्हनिया घर आ जाए। एक्चुअली आंटी मैं इनका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार ये फखरू से करती हूँ। आप ये समझ नहीं कि फखरू पर इनको बहुत ही फखर है, पर एक्चुअली फखरू की शादी की तैयारियां हमारे घर में धूमधाम से चल रही हैं। अच्छा बिना दुल्हन के? बल्कि आप ये समझे कि हमारी ख्वाहिश है, बल्कि यकीन है कि इस साल हम फखरू के लिए दुल्हन ले ही आएंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारे घर में खुशियां भी आ जाएं और थोड़ा सुकून भी। मेरा मतलब है कि फखरू भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, आप जब उनकी सास बनेंगे आपको उन पर बड़ा ही फख्र होगा। हाँ भाई इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। फखरू की कोई तस्वीर है? हाँ क्यों नहीं, मेरे पास है, आंटी को तस्वीर, मैं दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। नन्हे दिखाओ। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल अपने बाप पे नहीं गया, माँ पे गया। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जज्बात मुझे साफ साफ नजर आ गए, बस आज मेरे प्रपोजल को चेक कर लें। पूरे 6 महीने होने वाले हैं और मैं परमानेंट भी होने वाली हूँ, मगर इस बंदे ने मुंह से आज तक कुछ नहीं बोला। हाय नीनी, कैसी हो? हेलो शब्बो जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ आप कैसी हो? हाँ कर क्या रही थी? कुछ नहीं यार, बस पता तो है तुम्हें, तैयारियों में लगे हुए हैं, तुम बताओ? तुम्हारी सोच है, आई एम जस्ट सो एक्साइटेड, मुझे तो नींद ही नहीं आती, हर वक्त सोच रही होती हूँ कि क्या करेंगे हम मंगनी में। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि क्या हम थीम कर लें कोई कलर कॉम्बिनेशन, येलो और टर्कोइज वाला, फिर मैं सोची थी शायद मेहंदी पे तुम लोग वो करो। हाँ लेकिन मैं डेस्टिनेशन अभी हम नहीं करेंगे, अगर मैं सोची थी कि क्या हम डव्स भी उड़ाएं मंगनी के ऊपर, या टू मच हो जाएगा, लेकिन सिर्फ बलून्स को कर लें, या मेरा तो ख्याल है कि हम डव्स और फायरवर्क्स तो बहुत जरूरी है। जी 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 शब्बू जी, जो आपका दिल करे आप वो कीजिएगा, जैसा आपका दिल करे आप करें, ठीक है? ओके ओके थैंक यू, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़। कैसे जी बोलत, लेकिन सबसे मजे की बात कि मेरे फखरू की दुल्हनिया इतनी प्यारी है, वो आने वाली है, अपने माँ को क्या करना।
कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक मुबारक मुबारक। लो जी आज से हमारी दोस्ती जो है वो मिसाली बन गई है। भाई मुंह मीठा कराओ, क्या कर रही हो? आज से हम दोस्त नहीं रहे बल्कि समधी बन गए हैं। अच्छा ये बताओ कि फखरू कब आ रहा है? नीली जी वो फखरू से आपकी कल बात हुई थी, कब आ रहा है? सत्तू जी वो शपू जी को पता है। चलो जी जम जम आए लोग मुंह मीठा कर, बेस्ट फील ला। हाय 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 वाजी वाजी। लो जी बैठ बैठ, बात तो पकी हो गई। बैठ बैठ, अब ये बताओ कि पर अगर फाइल्स रेडी हो गई हो तो मेरा मीटिंग में क्लाइंट के साथ अभी भी। ओके वो हाँ कहो। नहीं नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली मैंने तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो। नथिंग। अच्छा सुनो वो शादी करोगे मुझसे? जानती हो क्यों? नहीं मैं नहीं जानती क्यों। तुम्हारे घर वाले तो मान जाएंगे ना? नो, गहराई में जाके तुम्हारी जांच पड़ताल करेंगे। तेरे इश्क में ही जलता हूँ, जो तू प्यार से वेख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ मैं। मेरी रूह में तू बसा है, हर सोच में तू सजा है। भाई जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने जमा की है ना, लड़का ठीक है, मैं खुश हूँ। वो तो ठीक है बट पप्पी। लेकिन पप्पी क्या? भाई पप्पी से भी तो पूछो। क्यों एतराज करेगी? जितना लड़के के बारे में जानना था मैं जान चुकी हूँ। लड़का और रिश्ता हमारी पप्पी के ऐन मुताबिक है। Come on, शबो। पप्पी की रजामंदी जानना भी तो बहुत जरूरी है कि नहीं? पप्पी हाँ ही करेगी। अब तुम पप्पी से जबरदस्ती करोगी? कैसी जबरदस्ती, माँ हूँ उसकी, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स को जानती हूँ। लड़का अच्छा है हमारी नजर में, पप्पी की नहीं। लिसन टू मी नन्ने। यू लिसन टू मी शबो। हाथ में कह रही थी कि एतराज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़का लायक है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान के, सबसे जरूरी बात ये है कि तुम्हारे दोस्त का गेस हु, बूझो तो जाने। ओ मेरी पप्पी। कैसे पहचाना? वाओ क्या मतलब, किस तरह का सवाल है? माओ तुम्हारी, मैं अपनी पप्पी को नहीं पहचानूंगी। जुबाब पप्पी। ऑफिस से छुट्टी मिल गई। दैट कॉल्स फॉर अ हाई फाइव। व्हाट? छुट्टी नहीं मिली मुझे, परमानेंट कर दिया। ओह वाह वाह, परमानेंट हो गई, बस अब इसकी शादी करा लेते हैं। आई एम श्योर कि पप्पी को बहुत सख्त भूख लगी है, बहुत दूर से आई है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से उसके लिए खाना रेडी करो। तो बेटा तुम फ्रेश हो जाओ ना। व्हाट्स रॉन्ग, इज एवरीथिंग ओके? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? नथिंग, सब ठीक है। डैड आर यू श्योर? या श्योर, तुम जाओ। शाबाश शाबाश, चलो गो 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 गो। ओके वेलकम होम। लिसन टू मी शपो, तुम्हें अकल है कि नहीं? गुड न्यूज़ देनी थी उसको। हर बात करने का एक तरीका होता है। वो आई और तुमने अचानक कह दिया शादी हो, कैसी होगी फिर? चलो मेरी बात ज्यादा सुनेगी। खाना तैयार करो, चलो जाओ जाओ। पप्पी तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? वो कब आएंगे तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता लेने, जल्दी बताओ। पप्पी। जी मम्मी। तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रेश जूस। नहीं ना, खाना खाया है, बिल्कुल जगह नहीं है। क्यों? अजीब जबरदस्ती आपकी भी। कहते हैं खुशी और गम में सबसे पहले भूख और प्यास मरती है। क्या मतलब, कैसी खुशी कैसा गम? बैठो,
कोई मतलब मतलब नहीं। तुम मुझे जानती हो ना, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। हर काम, हर चीज, हर शख्स की गहराई तक जाकर जांचती हूँ। जी, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर हाँ कर दो, हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। क्या? मेरी शादी करवा रहे हैं? किससे? फखरू से। फखरू? ये फखरू कौन है? सत्तू भाई का बेटा। सत्तू? अब ये सत्तू भाई कौन है? ओहो, ये वही तुम्हारे डैड के पुराने दोस्त हैं, जिन्होंने ये सारा निकनेम का ट्रेडिशन शुरू किया था। कैसे नाम है? फखरू, सत्तू भाई। लग रहा है चारपाई पे दो बुड्ढे बैठ के खांस रहे। फखरू बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा है, अपनी कंपनी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। और देखो, बहुत गुड लुकिंग है, मैं देख चुकी हूँ उसको। मम्मी, फैमिली भी परफेक्ट है। प्लीज, लेकिन मेरी बात तो सुने। क्या एतराज है? एतराज? मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर कैसे हो सकती है? That means के तुम राजी नहीं हो। नन्ने, चुप। तुम बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? नन्ने, don't want to marry this फखरू। बिल्कुल सही कह रही है वो। Please try to understand this small point। पे उसकी शादी है, मैं उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर कैसे कर सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि मुझे अपनी दोस्ती बहुत प्यारी है और बहुत अरसे के बाद मिली है, लेकिन सच बात यह है कि मुझे मेरी दोस्ती मेरी बेटी से ज्यादा प्यारी नहीं। So, hold it, please. बेटा तेरा, come here, sit down. तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं? वो लड़का मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत गहरे दोस्त का बेटा, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी मुझे इनकार नहीं करेगी, है ना? हाँ डैड, लेकिन ऑफकोर्स हमारी तरफ से तो हाँ। नीली और मैं आप समझने होंगी। ओके, सी यू लेटर। आपने हाँ ही कर दी? हाँ कर दी। अब मेरी पप्पी की झट मंगनी और झट ब्याह। लेकिन मैंने हाँ नहीं की। बट यू मीन पप्पी डैड के साथ मुंह मीठा करना, उसका मतलब होता है कि हाँ। वो फखरू हो या मजनू हो, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मम्मी, पप्पी, अब तुम पलट रही हो अपने हाँ से। मैंने हाँ किया कब? मेरे मुंह में वो गुलाब जामुन ठूस दिया था, वरना मैं फौरन इनकार करती। कोई लॉजिकल वजह होनी चाहिए ना इनकार की। है लॉजिकल वजह, फखरू है उसका नाम और ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पप्पी, असल वजह क्या है? तुम्हारा चेहरा कोई और फिल्म दिखा रहा है मुझे। पप्पी, कौन है? मम्मी, मिस्टर खान ये टीम के हेड हैं ऑफिस में। मिस्टर खान? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्यों इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं? अरे फखरू, तुझे पप्पी मिलने वाली है। कौन मिलने वाली है? पप्पी। फखरू वेड्स पप्पी, मोचा ही मोचा। मुंह तो मीठा करो मेरे भाई। अरे अरे भाई, क्या हो गया है? कौन सी पप्पी, कौन सी शादी, क्या बात कर रहे हैं आप? और ये भी भला कोई नाम हुआ पप्पी? भला इंसान को सुन के शर्म आ जाए। नाम तो अजीब है लेकिन बहुत ही क्यूट है और यूनिक भी। अरे उसके नाम पे मत जाओ, वो लड़की बहुत प्यारी है, हमने तो देखी भी है। अब ना जाओ, जाकर ना पप्पी की तस्वीर लेकर आओ जो उस दिन उनके घर से लाए थे। मैं भी लेकर आ रही हूँ। अरे भाभी, जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई तस्वीर वस्वीर नहीं देखूंगा। प्रॉब्लम क्या है, है? हमारी दादी को पूरा खानदान जो है ना पप्पी बाजी बुलाता था। और अरे अब्बा, मुझे नहीं करनी किसी पप्पी से शादी। क्यों नहीं करना चाहते? वो मेरे दोस्त की बेटी है, मैं जुबान दे चुका हूँ, वो भी जो है इसमें हामी भर चुके हैं, तुम क्यों शादी नहीं करोगे? अरे लो, हद हो गई, अब आपके दोस्त की बेटी है तो मैं क्या शादी कर लूँ उससे? है, मेरी घर में कोई मर्जी नहीं है क्या? अरे तुम्हारी मर्जी से तो अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, और मैंने कितनी दफा तुमसे पूछा है कि अगर कोई पसंद आए तो मुझे बता दो, उससे तुम्हारी शादी करवा देते हैं। तब तो कहते थे अम्मी जी जो आपको पसंद आए मैं उससे कर लूंगा। अब क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बता दो ना क्या प्रॉब्लम है साहब जी, क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या प्रॉब्लम है? एक बार उसकी तस्वीर देख लो, उससे मिल लो, फिर जो मर्जी करो। अरे अम्मी, मैं भला ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लूं जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ? अरे जानता तो मैं भी नहीं था, मैंने भी तो किया। अब जान लो ना भाई, मेरी बात सुनो,
तस्वीर तो हमारे पास आ गई, देखेंगे तो जान पहचान भी हो जाएगी मसला। अरे ना 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 ना, ना भाभी, मैं इस लड़की की तस्वीर नहीं देखूंगा और ना ही इसे शादी करूंगा। अरे तो फिर किससे करनी है शादी? किससे करनी है बोलो, किससे करनी है? तो किससे करनी है? हाँ साहब जी बताए ना आपने, किससे करनी है शादी? दो किससे करनी है जल्दी बताओ ना। ओ भाई बता भी दे किससे करनी है। अरे बस, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा और उसका नाम पप्पी नहीं है। थैंक यू फखरू। फखरू क्या कह रही हो, तुमने हाँ कर दी? मैंने हाँ नहीं की लेकिन मैं चुप हो गई। जुबाब तुम्हें पता है मैं घर वालों से कितना लड़ा हूँ, सबके सामने मैंने ऐलान किया है कि तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा और तुम कह रही हो कि तुम चुप रही। तो मैंने भी फौरन मम्मी को बता दिया था लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ना अपने डैड से बात करो। मैं ये नहीं कर सकती, मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं फाखिर से मोहब्बत करती हूं जो मुझे चंद दिन पहले मिला है। अरे यार तो क्या फर्क पड़ता है, प्यार करती हो ना मुझसे? एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे डैड तुम्हारी हर बात मानते हो। उनसे रिक्वेस्ट करो, उनको बताओ कि जिससे तुम प्यार करती हो अच्छा लड़का है, आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे। डैड को तो मैं मना लूंगी लेकिन मम्मी का क्या करूं? वो तो इतनी जल्दी में, उनका बस चले तो वो मुझे अभी मायूं में बिठाए, चंद घंटे बाद मेरे मेहंदी का फंक्शन करें और फजर से पहले मेरी रुखसती करके सो जाए। ये क्या हो गया जुबान, हम क्या सोच के चले थे और यहाँ तो कहानी ही पलट गई। मैं सोच रही थी मैं मम्मी को बताऊंगी तो वो तो खुशी से पागल हो जाएंगी और अभी हम तुम लोग के पेरेंट्स से मिल रहे होंगे लेकिन यहाँ पे तो मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया है। तो यहाँ पे भी तो यही हाल है। अब यार अगर दोस्त हैं जरूरी है कि रिश्तेदारी में भी बदलना उसको? तो दोस्त हैं तो दोस्त बन के रहना, दुश्मन क्यों बन रहे हैं? देखो सुबह मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, सारे घर वालों से लड़ लूंगा लेकिन तुमने भी मेरा साथ नहीं छोड़ना। प्लीज अपनी अम्मी से बात करो, अपने अम्बा को मनाओ, उनको बताओ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। प्लीज अभी जाके बात करो ना उनसे। ठीक है बाय। तेनू वेख वेख जगता हूं, तेरे इश्क में ही जलता हूं, जो दू प्यार से वेख ले तो ये दुनिया। डैड मुझे आपसे जरूरी। डैड ये क्या हुआ है? अरे ये कैसे हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, ओवर रिएक्ट मत करो। ओवर रिएक्ट? हाथ में बैंडेज है, खून निकल रहा है, आप कह रहे हो ओवर रिएक्ट ना करो? मैं कह रहा हूं ना बिल्कुल ठीक, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मैं कार चला रहा था, गलती मेरी थी, माइंड मेरा कहीं और था, बस टक्कर हो गई। आपसे किसने कहा है ड्राइव करने को? आप ड्राइवर रख लेना। दो कदम पे यूनिवर्सिटी है, अब इतने से फासले के लिए मैं ड्राइवर रख लूं? इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। कौन से हॉस्पिटल आप गए थे और प्रिस्क्रिप्शन दिखाए मुझे? ये लो हल्दी वाला दूध। तुम कुछ कह रही थी? नहीं अभी कोई बात नहीं करनी, मैं बाद में कर लूंगी। पिए डैड? ना मैं नहीं पी सकता, नो नो मैं। इनकार करने आई थी ना, तुम्हारे डैड की चोटों का दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारे इनकार का दर्द वो सह नहीं पाएंगे। तो आप क्या चाहती हैं मम्मी, कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसे ना तो मैं पहले कभी मिली हूं ना पसंद करती हूं? हम पे कोई भरोसा नहीं तुम्हें, पूछो क्या पूछना है फखरू के बारे में, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मैं फखरू के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहती, मैं मिस्टर खान से शादी करना चाहती हूँ। देखो पपी, तुमने जो पढ़ना चाहा हमने तुम्हें पढ़ाया, लाहौर जाकर जॉब करनी चाहिए हमने वो भी करने दी,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बात में तुम अपनी मनमानी करोगी। इसमें मनमानी की क्या बात है मम्मी? जैसे आप लोगों ने मेरे लिए फखरू को चुना है, वैसे मैंने अपने लिए मिस्टर खान को चुना है। इट्स माई राइट। और हमारा कोई राइट नहीं कि हम अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचे। मम्मी शादी मुझे करनी है और जिस शख्स से मैं मोहब्बत नहीं करती उससे शादी करके क्या मैं खुश रह पाऊंगी? नहीं ना। नहीं मम्मी। बसी है मेरी रूह मेरी जान वे अखता सुकून तू ही दिल दा करार वे सहनो सकूंगा कदी दुनिया जुदाई दे तू ही मेरा सच जानी। फखरू फखरू बेटा शाम को ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, हमने पप्पी के घर जाना। मैंने किसी पप्पी पप्पी के घर नहीं जाना। अरे बेटा तुम्हारे अब्बा की बात हुई ना उनसे, तो नन्हे भैया का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा फंक्शन तो कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे अब्बा ने सोचा है कि छोटी सी मंगनी की रस्म कर लेते हैं। अरे अम्मा क्या बात कर रही है, ठीक है अफसोस की बात है कि उनके अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंगनी कर लूं उसके साथ। अरे भाई लड़की बहुत प्यारी है देखने में, हर्ष क्या एक दफा अभी नहीं देख रही उन्हें तस्वीर, हटे मेरे पास से, मंगनी कर लो, जीव लोगे। मम्मी देखते हो कैसे नहीं होता, अच्छा बाप भी मानेगा, मैं तस्वीर लेकर आ रही हूं। मम्मी व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? तुम्हारी मंगनी की तैयारी हो रही, ये सब करने में आपको बहुत मजा आ रहा है? हाँ पप्पी मेरी बेटी की शादी हो रही है, ऑफ कोर्स मजा आ रहा है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? आई डोंट वांट टू मैरी दिस फखरू। मुझे लगता है कि तुम्हारा फैसला बहुत बचकाना है, बिल्कुल जैसे टॉय शॉप पे तुम बचपन में जाती थी और इतने वियर टॉय सिलेक्ट करती थी और घर आकर उन सबको फेंक कर तुम उनके साथ खेलती थी जो मेरी पसंद होती थी। मिस्टर खान इज नॉट अ टॉय मम्मी। हाँ लेकिन यहाँ पे मिसाल बैठती है, तो मेरी बात क्यों नहीं मानती पापी? फखरू बहुत अच्छा लड़का है, उसमें वो सारी खूबियां हैं जो हम तुम्हारे होने वाले शोहर में ढूंढ रहे थे, वो और उसकी फैमिली तुम्हारी परफेक्ट है। मेरी मर्जी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी नजर में? मुझे लग रहा है तुम जिद कर रही हो। मैं जिद नहीं कर रही मम्मी, ये मेरी मोहब्बत है। तो ठीक है जाके अपने डैड से बात करो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रही। मम्मी Well, I think 25 to 30 लोग होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि सब कुछ जो है वो बहुत ही ग्रेसफुल, बाद में बात करते हैं। Dad, अरे बैठो ना। Thank you so much. I'm really happy. और मैंने तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना है और तुमसे सॉरी भी करना है, पता किस बात की? तुम्हारे सत्तू अंकल है ना मेरा दोस्त, उनका कॉल है और उन्होंने जिद की कि वो आज हमारे घर आना चाहते, बस मैं इनकार नहीं कर सके। देखो पप्पी तुम कितनी इनोसेंट हो, तुम कितनी लकी हो, बेटी बिठाए इतना अच्छा लड़का तुम्हें मिल गया। इतना अच्छा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। बस मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, पेरेंट्स के लिए इससे ज्यादा अच्छी है खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उनकी स्वीट हार्ट एक ऐसे घर में जाए जहां उसकी बहुत रिस्पेक्ट हो, उतनी जितनी उसकी इज्जत उसके बाप के घर में होती। रिएक्ट मत करो, इतनी तकलीफ नहीं हो रही मुझे, बस तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ। स्टेपलेस स्वीटहार्ट, हमेशा खुश रहो।
तुम्हारे कपड़े रेडी करती हैं मैं। Excuse me. अल्लाह का शुक्र है सद्दू जी, फखरू मान गया। अरे क्यों ना मानता, मुझसे प्यार जो करता है। वो तो शक ही कोई नहीं इस बात में। फखरू भाई प्लीज जल्दी आ जाए। पता नहीं यहाँ दुल्हनों की तरह इतना टाइम लगा रहे हैं तैयार होने में, देर हो जाएगी जाने में। फिर लगाने दो टाइम, जितना मर्जी लगाए। हाँ मासूम है मेरा बेटा ना। सत्तू जी मेरा तो दिल चाह रहा है कि फखरू की दुल्हनिया को आज ही घर ले आते हैं। हाँ लेकिन लाएंगे तब ना जब यहाँ से जाएंगे। अरे भी आगे इतनी देर हो गई है, आया नहीं अभी तक फखरू। उसे मैं बुलाकर लाता हूँ, रुके आप। प्लीज जल्दी आना फखरू। कपड़े ठीक है भाई, आजा। हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, ये हमारा ग्रीन थीम बहुत अच्छा लग रहा है, मैचिंग हो गई हमारी। अम्मी अब्बा जी। क्या हुआ? आपका फखरू ऊपर बेहोश पड़ा कमरे में, जल्दी आए। क्या? क्या? अम्मी ने इतनी जल्दी तैयार करके बिठा दिया है, नहीं करनी मुझे ये मंगनी। या अल्लाह प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी। अरे आर्ट डायरेक्टर साहिबा बस कीजिए, सब कुछ परफेक्ट है। नन्हे से फूल डालूं? अस्सलाम वालेकुम। आइए वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, आओ जी आओ, तशरीफ ले आओ। बाकी नजर नहीं आ रहे? नहीं भाभी, इस वक्त बस हम दो ही आए हैं। नीली आई होप आपको अरेंजमेंट अच्छी लगी हो। वो आपने तो शॉर्ट नोटिस में कहा कि मंगनी की रस्म, तो इसलिए बट वी ट्राइड आवर वेरी बेस्ट। सत्तू तुम्हें खाना बहुत पसंद आएगा क्योंकि सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। ये वैसे बाकी लोग कितनी देर में आएंगे? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, रश आवर्स भी है, है ना? आज तो बहुत ज्यादा थी। हाँ वो सब आ जाते तो बहुत अच्छा होता, सब खुश भी होते, लेकिन वो तब होता अगर फखरू की शादी पप्पी बेटी से हो जाती। फखरू ठीक तो है ना? हो जाती? What do you mean by हो जाती? भाई इंशाल्लाह हो जाएगी। जरा खुल के बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मैंने यार, मैं तो दिल से चाहता था कि हमारी दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए, लेकिन वो फखरू ने इनकार कर दिया। What? क्या इनकार? और आप दोनों इतना तैयार होकर अपना इनकार हमारे मुंह पे मारने के लिए आए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। और आप नीली कितनी तमीज बांधी थी, फखरू ये फखरू वो है, फखर होगा आपको, ये आपका बेटा, ये तरबियत आपने दी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतना झूठा मकार बिगड़ा हुआ लोफर बेटा है। शबा जी होश में रहकर बात करो। होश तो अब हमें आई है। नन्हे बता दे इनको, ये क्या रिश्ता खत्म करेंगे? हम रिश्ता खत्म करते हैं, हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करेंगे। हम भी नहीं मरे जा रहे तुम्हारी पप्पी जप्पी के लिए। अरे नीली नन्हे यार, मैं फखरू के सामने बिल्कुल मजबूर हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि हम मजबूर नहीं, क्योंकि हमने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की है कि उसने आपके बेटे को देखे बगैर हाँ कर दी। आपको अंदाजा है कि आपने कितनी बेइज्जती की है हमारी बेटी की भी और हमारी भी? वो बेचारी दूसरे कमरे में तैयार होकर बैठी हुई है। भाभी अब उसे बुला दे, मैं बात कर लूंगा पप्पी बेटी से। वो सॉरी सत्तू भाई, अब आप ये हक खो बैठे, और जिस बदतमीजी से आपने ये रिश्ता ठुकराया है ना, नन्हे बता दे इनको आज से आपकी और इनकी दोस्ती खत्म। अरे हमें भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों से दोस्ती रखने का। शब्बू जी आज के बाद हम कभी नहीं मिले। और नन्हे भैया
अगर कहीं रास्ते में हम टकरा जाए ना तो दुख मत कीजिएगा कि हमने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं पकड़ पकड़ के लोगों को बताऊंगी कि ये झूठी मकार औरत है जिसका झूठा मकार शबो, 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 कर लो तुम छोड़े आप मुझे शबो, बस आई थिंक बहुत हो गया, जो होना था सो हो चुका। बेहतर इसी में है कि आप दोनों यहाँ से तशरीफ ले जाइए प्लीज। जा रहे हैं हम लोग, यहाँ रुकने के लिए नहीं आए, जाने के लिए आए थे। चलें। अरे चलें। हटो। फिजिकली वायलेंट, मैं अपना ड्राइवर भेज रही हूँ, मेरी बेटी की तस्वीर वापस कीजिए। फाड़ के कचरे में फेंक दी। कोई बात नहीं नन्नी, बेहतरी हुई, इन्होंने अपना असल रूप दिखा दिया है, आप फिक्र नहीं करो। हाँ पप्पी को कौन बताएगा। हुआ क्या हमारे साथ? जी जी बाजी, हाँ चले ठीक है। क्या हुआ? अरे फखरू मुबारक हो, हमारा देसी बहाना काम करके अम्मी अब्बा इनकार कर रहे हैं। यस 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 यस, मुबारक हो। चलो भाभी बुला रही, तुम्हारी शादी तो होगी नहीं, मेरी शामत आएगी। जाओ भाई, चाहते क्या हो तुम? शादी करना चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ? तो कर लो। ऐसे कैसे कर लूँ? अम्मी के पास जाता हूँ तो वो अब्बा के पास जाने को कहती है, अब्बा के पास जाता हूँ तो वो अपने दोस्त से बिछड़ने के गम में गमगीन से गमगीन तर गाना मुझे सुना देते। भाई के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आप हर वक्त किचन में घुसी रहती है। रह गई बेचारी सुबह, वो बेचारी इंतजार कर रही है मेरा कि मैं कब रिश्ता लेके उसके घर जाऊंगा। सॉरी मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो फिर पूछ क्यों रही थी? पता है अम्मी बहुत कुछ कर सकती हैं। ले अम्मी क्या कर सकती है? अरे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो। अम्मी आ गई, जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? अरे इतने प्यार से ये सारा सामान मेरी दुल्हन के लिए लाई थी ना, अब क्या फायदा भाई? मैंने तो आपकी पसंद की शादी करनी नहीं है और मेरी पसंद की शादी आप होने नहीं देंगे, तो भाई सारा सामान का क्या फायदा? चलो उठाओ, ले लो। चलो रखो नीचे, रखो रखो, छोड़ अभी मैं निकल रहा हूं, छोड़ मैं तेरे सर में मारूंगी। अरे नीचे। अरे करेंगी क्या आप सारे सामान का? अरे मैं कराऊंगी ना तुम्हारी शादी, मैं कराऊंगी, मैं सच कह रही हूं, मैं लेकर आऊंगी अपने फखरू की दुल्हनिया। कराएंगी मेरी शादी? हां कराऊंगी, जहां चाहूंगा वहां कराएंगी। तो फिर कसम खाएं कि मुझे लेके चलेंगी कल जुबाब के घर लेने के लिए? वो बोले हाँ, कसम खा ली भाई मेरी प्यारी अम्मी। चलो भाई चलो सामान उठाओ, अंदर लेके चलो मेरे कमरे में, है ना? चलो शाबाश शाबाश, प्यार से उठाओ, प्यार से उठाओ, प्यार से उठाओ, शाबाश शाबाश। अरे मैं आपका बैग उठाऊं? अरे आप आए ना मेरे साथ, बाकी सारा सामान अंदर है। अरे आप मेरे साथ आए, आ जाए आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा मेरी प्यारी। चलो क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा। अम्मी बहुत अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, खानदानी भी। जब आपका फोन आ रहा है तो मैं। हेलो आप कौन? हाँ सब आप, हम लोग पहुंच गए। नहीं कोई बात नहीं बेटा। तो सुबह भी पप्पी है, इसको रोक ले, हम नहीं जाएंगे। पर तो खामोश रहोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा हुक्म। अच्छा तो मैं रोकती हूँ। असीम बाय। अरे
क्या हो गया है आप लोग, चले ना। हाँ अम्मी प्लीज अंदर चले, अब्बा का हुक्म है। थोड़ा सा मुस्कुरा दे। नन्ने अम्मी आ जाए। नन्ने इम्पोर्टेंट ईमेल है। वो देखे। हाय अस्सलाम वालेकुम। तुम तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में आओ? तुम्हारे घर मैं नहीं आई, हमें हमारा बेटा लेकर आया है। ये जो तुम्हारी बेटी है ना पप्पी, इसने रिश्ता लाने के लिए कहा है। पप्पी फखरू कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बेचारा मेरा भाई फंस गया। चुप करो, देखो तो सही हो क्या रहा है। यस माय डॉटर पप्पी, हम इसे प्यार से पप्पी बोलते हैं और नाम है इसका जुबाब। और ये हमारा बेटा है फाखिर, जिसे हम प्यार से फखरू कहते हैं। यही वो फखरू है जिससे रिश्ता तय किया था हमने। नालायक। देखो शुभो, ये है मेरा बेटा फखरू जिसको तुम नालायक कहती हो। बहुत लायक फायक है मेरा बच्चा, और इसी को तुम्हारी बेटी पप्पी पसंद भी करती है। ये है मेरी परवरिश। एक सेकंड, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे ख्याल से। भी वही लड़की है जिसको पिक्चर में बार बार दिखा रही थी और आप बिना देखे मना कर रहे थे। What? तो ओके फखरू बेटा वही लोग हैं जिनको रिश्ते से इनकार कर कर गई थी मैं, तुम मुझे फिर वहीं लेकर आ गए हो। तुम जानते नहीं इन लोगों ने कितनी इंसल्ट की थी हमारी, फिर अपनी माँ की नाक कट पाने लगा। नहीं अम्मी, मैंने भी उस दिन कह दिया था मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हरगिज नहीं होगी। मम्मी, आंटी मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है, बहुत बड़ी गलत फहमी। जी जी बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। पहले आके रिश्ते से इनकार करें, हमारी बेइज्जती करें और फिर से बेटे को ले आए रिश्ते के लिए। अरे तुम्हें कितनी दफा बताया है कि हम नहीं आए, हमारा बेटा हमें यहाँ लेकर आया है। बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? और कुछ पूछना है ना तो अपनी इस बेटी से पूछो जो लाहौर में इसे मिलती रही है, बहुत अच्छी तरह से जानती है। नीली स्टॉप इट, मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज ना बोलना। तुम्हारे बेटे ने वरगलाया होगा इसे। नहीं आंटी, मेरे ख्याल से ना कोई कंफ्यूजन हो गई है। देखिए मैं और पप्पी मैं और जुबाब एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम लोग दोस्त भी हैं, शादी भी करना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। डैड यस प्लीज कीप क्वाइट, इसलिए बेहतर यही है कि अपने बेटे को लो और यहाँ से चले जाओ। इनफ इज इनफ। डैड वेरी वेल सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू नन्ना। अरे हमें चाहिए भी नहीं तुम लोगों की बेटी, संभाल कर रखो इसको। लेकिन अपनी बेटी से कह दो बेटे को पीछा छोड़ दे। कितनी बार कहूँ हमारी बेटी ऐसी नहीं है, भरोसा करते हैं हम उस पे। आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, बेहतर होगा कि आप चले जाएं। थैंक यू। सत्तू जी क्या भी रुकेंगे आप यहाँ पे? चलें, बच्चों चलो, तुम भी चलो। अम्मी मेरी बात तो सुने। चल बात तो सुने, एक मिनट कोई कंफ्यूजन। जल्दी से आओ तुम। यार ये क्या फखरू? पप्पी वही हुआ जिसका डर था, ना पप्पी फखरू की हुई ना जुबाब मिस्टर फाखिर खान की। जहां से चले थे सब वहीं आ रुके हैं। इन नामों की गड़बड़ में हमें जापान जाना था, पहुंच गए चीन। काश मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी होती, नजर ही पड़ गई होती तो इतनी बड़ी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती यार। काश तुमने मुझे बता दिया होता कि मेरे रिश्ते की बात पप्पी नाम की लड़की से हो रही है तो मुझे हिंट ही मिल जाता। मैंने बता दिया होता, तुम भी तो बता सकती थी कि रिश्ता है उसका नाम फखरू है। फखरू है, मैं हूं ना फखर खान। फखरू बस करो सुबह, मुझे आईंदा ना इस नाम से नहीं बुला, चिढ़ हो गई है मुझे। ओके मिस्टर फखर खान, आप अपने पेरेंट्स को मना सकते? तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? हर तरीका आजमा लिया, वो मुझे घर को निकालने के लिए तैयार हो गए लेकिन तुम्हें अपनी घर की बहू कभी नहीं बनाना। सेम, डैड ने कहा है कि कुछ भी कर लूंगा उस सत्तू की बहू नहीं बनने दूंगा। ओह हेलो, तमीज से नाम लो, वालिद का नाम है मेरा, हमारे होने वाले सफर
ऐसा कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। हम पहले ही इनकार कर चुके आंटी, इसलिए तो मैं इधर आया हूँ आपके इनकार को इकरार में बदलने के लिए। और जब तक आप जुबाब का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। क्यों, कुछ जबरदस्ती है? कह दिया ना नहीं, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मम्मी इट्स नॉट फेयर, फाखिर अच्छा है या बुरा है आप उसकी एक बार बात तो सुन लें, वो क्या कहना चाहता है। मैं वादा करती हूँ मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन एक मौका तो दें उसे। मौका दूं ताकि दोबारा ये सुनने को मिले कि तुम्हारी बेटी ने बुलवाया, ये सुनने को मिले कि तुम अपनी बेटी को कहो कि हमारे बेटे का पीछा छोड़े, ये सुनने के लिए? नहीं आंटी, अंकल देखें, देखें गलती मेरी है, मेरे पेरेंट्स की नहीं है, हम दोनों फैमिलीज के बीच में जो कंफ्यूजन हो गई मैं उसको दूर करने आया। आंटी प्लीज एक मौका, अंकल कोई तो गुंजाइश निकालिए, मैं जुबाब को हमेशा हमेशा खुश रखूं। जितना हमने सुनना था हमने सुन लिया, अब इस किस्से को खत्म करो, जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज एक मौका, जाओ। रुको फखरू, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हमारी पापी के लिए कुछ भी कर सकते हो? जी नन्हे आप खामोश, मैं बात कर रहा हूं ना, सो प्लीज। तो फखरू तुम्हें ये सब कुछ साबित करना होगा, यू हैव टू प्रूव इट कि तुम हमारी पापी की बेस्ट चॉइस हो। अरे अंकल मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आप कहें तो सही मुझे करना क्या है, आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊंगा मैं। श्योर? यस श्योर। तो फिर तुम्हें कुछ अरसे के लिए हमारे पास यहां हमारे घर पे रहना होगा। कौशब तुम इसकी सास नहीं, तुम इसकी सास ना बनो, तुम इसकी उस्ताद बनो, इसकी टीचर बनो, इसको जानो, इसको परखो, इसकी जांच पड़ताल करो, और अगर ये तुम्हारे इम्तिहान में पास हो गया तो फिर हम अपनी डियरेस्ट पपी की शादी इस बॉय के साथ कर देंगे। थैंक्स, थैंक्स डैड, यू द बेस्ट। आंटी मैं तैयार। नाइस। बताइए क्या करना है मुझे। अरे पापड़ बेलने, बड़ा शौक है ना तुम्हें, यहां भी इसीलिए आए हो पापड़ बेलने के लिए। मैं जी पप्पी का प्यार पाना इतना आसान नहीं होगा। रुको, क्या हुआ? नीली ने कुछ नहीं सिखाया आपने पीने को। ठीक, क्या मतलब? पहनो ये ड्रेस, एप्रन है। एप्रन, इसको आप प्लीज। थैंक यू। ये क्या है? डस्टर तो नहीं हो सकता, सर पे पहनो। ओह श्योर जी, हाँ ये कौन? नहीं मैं अभी ये। अब ठीक है? ये पहले से बना हुआ पेड़ा बनाओ। ओह राइट, ये तो आता है, बहुत आसान है, मैं एक्चुअली बचपन में एक दो दफा ट्राई किया था।
छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। नहीं मैं कर सकता हूँ, आप देखिए ना ये इसको यहाँ ये वो। छोड़ दो, चाय बना दो, वो तो आती होगी बनानी। नहीं जी वो पीने आती है, कभी बनाई नहीं। पहले शादी की है? कभी नहीं। तो जब पहली बार शादी कर सकते हो तो फिर चाय भी बना सकते हो ना पहली बार। अब कल पप्पी का दिल चाहे, तबीयत खराब हो, नौकर छुट्टी पे हो तो चाय कौन बनाएगा उसके लिए? कौन बना कर देगा? मैं बना कर दूंगा ना, मैं बनाऊंगा चाय। तो बना। श्योर। पप्पी जी, कोशिश भी ना करना इसकी हेल्प करने की, तुम्हारे हाथ की चाय अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं, और मेरे मुड़ने से पहले गायब हो जाओ। पापी गायब हो जाओ, चाय का सारा सामान वहां है जी, इसमें बना कर देना। श्योर। चीनी कितनी लेंगी? सात लाना। चाय। शबो जी, सॉरी। नाइस, कीप इट अप सर। मैं वॉक पे जा रहा हूँ, किसी ने चलना मेरे साथ? ऑफ कोर्स नॉट, ये मुश्किल काम मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही सूट करता। गुड गुड, बाय। कैसी लगी? क्या हुआ? -3/10। एक और बना दूं? अल्लाह के वास्ते नहीं। -3? मैं दिल से बनाई थी। अच्छी है, दिल से बनाई थी। इतने दिल से बनाओगे तो इतनी अच्छी बनेगी। फाखर जी, जी जी जी, आया आया। ये सारे हो गए? जी हो गए। ये रैक मेरे ड्रेसिंग रूम में पहुंचा दो। छोड़। दो और रैक हैं कपड़ों के, वो ले आओ और वो भी इस्त्री कर लो। जी श्योर, व्हाई नॉट। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा, क्लम्सी आल्सो। जी मेरा बताया तो था आपको। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। जी फाखर, फाखर खान। और निकने? आप फखरू। फखरू, आई लव यू। जी कितनी जबानों में कह सकते हो मेरी बेटी को? ओ इंग्लिश में, उर्दू में, सिंधी में बोल सकता हूँ, पंजाबी में बोल सकता हूँ, और चाइनीज, फ्रेंच, कुरियन। जी सीख लूंगा। सिंधी में बंदर को क्या कहते हैं? भूल लो। लेकिन 8th क्लास में तुम ज्योग्राफी में फेल हुए थे। जी लेकिन मैथ्स में मेरे 100 मार्क्स आए थे मैम। पाकिस्तान इक्वेटर से कितना दूर है? जी मुझे बताओ कि नेपच्यून जुपिटर से कितना दूर है? जगता हूँ
तेरे इश्क में ही जलता हूँ, जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ मैं। मेरी रूह में तू बसा है, हर सोच में तू सजा है, जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ। रब्बा वे की करा सोनिए सुन जरा, तेरे इश्क दे नशे विच मन लग गया। ओ गॉड, तुम कितने स्लो अभी तक ये कर रहे हो। इस स्पीड पे तो महीना लगेगा तुम्हें। अभी इतने और काम है, सफाई भी करनी है। आधा घंटा दे रही हूँ तुम्हें, उसके बाद कुछ और काम है। जी हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू। वेलकम। कैसी हो भाई? चल भाई। ये पी लो। लाओ मुझे तो। ओए, ना हेवी है। तुम्हारी अम्मा तो वाकई हिटलर है भाई। सॉरी। वैसे एक बात बताओ, तुमने खुद कभी अपने घर कितने काम किए? मुझे देख के क्या लग रहा है, मैं करती होगी ये सब? लग रहा है कि नहीं किए। तेनू एक वेख जगता हूँ, तेरे इश्क में ही जलता हूँ, जो तू प्यार से वेख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ मैं। मेरी रूह में तू बसा है, हर सोच में तू सजा है, जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ। रब्बा वे की करा सोनिए सुन जरा। तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? डाइनिंग हॉल में मम्मी डैड वेट कर रहे हैं। बस आ गया, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा बस ये मैंने रख दिया है, तुम यहाँ जाओ। जाओ 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 जाओ। क्विकली, ओके? यस। आज इनको भी पता चलेगा कि फाखर खान ने क्या हलीम बनाई है। यस। और जनाब ये आ गई आपकी गर्मा गर्म हलीम। Please try. Thank you. Looking nice. मैडम आपका फेवरेट पुलाव। I promise मैं नहीं बनाया। So, here we go. So breaking news is this, कि मेरी तरफ से आप पास। Yes. So बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. एक सेकंड नन्हे, शायद आप भूल रहे हैं। आपने कहा था कि फाइनल फैसला मेरा होगा। या बिल्कुल मुझे याद है। तो क्या आपको पुलाव पसंद नहीं है? मेरी तरफ से जस्ट पास फखरू। शुक्रिया। अब अगर आपकी अम्मी को कोई एतराज नहीं तो हमारे घर आए, पहले माफी मांगे और फिर पप्पी का रिश्ता। व्हाट? माफी फिर रिश्ता? हलीम पास कर दे। जी बेटा, तुम भी बैठो ना, खाओ, अब तो पास हो गए। मैं जानती हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उसी गलत फहमी को दूर करना चाहते हैं हम। मम्मी और डैड की तरफ से
आप दोनों से माफी मांगती हूँ। आंटी प्लीज, आंटी माफ कर देना, प्लीज प्लीज माफ कर दें। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शब्बो जी आए, माफी मांगे और बस फिर रिश्ता। अम्मी प्लीज माफी तलाफी को छोड़ दें, देखे तो सही वो बेचारी कितनी परेशान लग रही है। हम आज इसके घर रिश्ता लेके चलते हैं प्लीज अम्मी। हाँ अम्मी, माना कि अभी ये आपके फखरू की दुल्हन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसकी पसंद तो है ना। अरे बीबी जी छोड़े ये माफी तलाफी, शब्बो जी को हर हाल में माफी तो मांगनी होगी। अम्मी मेरी प्यारी, ये माफी तलाफी का चक्कर को छोड़े ना, कोई और रास्ता निकालें प्लीज। हाँ अम्मी, कोई तो रास्ता निकालें प्लीज, कोई रास्ता निकाल लें प्लीज। नीली जी निकाल लेना कोई रास्ता प्लीज। आंटी कोई रास्ता निकाल लेना प्लीज। मेरे साथ चलो पप्पी बेटा, ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी आंटी, थैंक यू। रख लो बेटा, पता नहीं फिर हम कभी मिले ना मिले। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप आंटी? ये ऐसा क्यों बोल रही हैं? पता नहीं ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों बोल रही हैं ऐसा? पता नहीं क्यों बोल रही हैं। पप्पी तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़कर फखरू से शादी करनी हो, तुम्हें कबूल है? नहीं ना, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी अपनी बेइज्जती कबूल नहीं है जो तुम्हारी माँ ने की। एक दफा नहीं दो दफा, चले गलत फहमी से ही सही दूसरी बार भी गए हम, लेकिन तुम्हारी माँ ने टिका के हमारी बेइज्जती की। बस धक्के देने बाकी रह गए थे, तीसरी बार नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें फखरू से ज्यादा मोहब्बत है या फिर। मोहब्बत कितनी आसानी से हो जाती है सुबह, लेकिन इसको पा लेना उतना ही मुश्किल होता है। ससुराल मेरे और तुम्हारे प्रेम से लगा दी, उसके बाद तो मेरा और तुम्हारा एक होना नामुमकिन सा है। हम भाग की शादी कर लेते हैं। हाँ भाग तो सकते हैं, और कहीं दूर जाके अपनी छोटी सी दुनिया भी बसा सकते, लेकिन तुम जानती हो तो तुम्हारे पेरेंट्स हमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हें सारी जिंदगी दिए थे, मैं पाला तुम्हें, पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इस काबिल बनाया, अब तुम्हें हमसे छीन ले जाऊंगी। ये नहीं होगा। क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़ के मेरी फैमिली के साथ हमेशा नहीं रहोगे? मेरे जो अब्बा जी है ना सुबह, और अम्मी ये दर्द कभी सह नहीं पाए,
मैं जानता हूँ कि वो कभी शिकायत भी नहीं करेंगे अगर मैं अपनी मोहब्बत को उनके तरफ से टूट जाएंगे और ये जानते हुए मैं तुम्हारे कभी हो नहीं पाऊंगा। तो तुमने क्या सोचा है? जगता हूँ तेरे इश्क में ही जलता हूँ जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ मैं बहुत ख्याल रखना सुबह सच जानी तू ही मेरा ख्वाब रंगिया तेरे इश्क दे मन विच रंगिया तेरे इश्क दे मन विच रंगिया तेरे इश्क दे मन विच बहुत अच्छा रिश्ता है तुम्हारे लिए। इसमें लड़के की डिटेल्स हैं सारी और तस्वीर। मैं चाहती हूँ तुम देख लो। अगर आपको पसंद है अच्छा ही होगा। आपकी जांच पड़ताल पे पूरा भरोसा है मुझे। मम्मी मुझे लाहौर जाना होगा, ऑफिस ज्वाइन करना है ना, इसलिए तो मैं हाँ कर दूं। जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर तुम्हारे लाहौर जाने से पहले इस वीकेंड तुम्हारी मंगनी कर लेती हूं। आर यू श्योर? यस। तनु एक एक जगता हूं तेरे इश्क में ही जलता हूँ जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ मैं मेरी रूह में तू बसा है हर सोच में तू सजा है जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ। साहब जी जूस पी ले। नहीं पीना मुझे। बेगम साहिबा, साहब ने ना दिन का खाना खाया ना रात का खाना खाया और ना ही ये जूस पिया है। जाओ। फखरू बेटा, और कितने दिन सोग मनाओगे? ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो फखरू, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने पप्पी को रास्ता दिखाया लेकिन उसके घर से अभी तक कोई नहीं आया। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नाजू की कजन है राबिया, उसके साथ हम तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं। कसम से फखरू, तुम्हें कोई एतराज नहीं है शादी पे? अरे फखरू फखरू मेरे बच्चे, तुमने तो माँ को खुश कर दिया। तो ऐसा करते हैं, इस हफ्ते करते हैं तुम्हारा निकाह और अगले हफ्ते रुख्सती, ठीक है ना? जीते रहो जीते रहो जीते रहो। मैं सत्तू जी को बताती हूँ।
सकूंगा कदी दिन ये जुदाई दे तू ही मेरा सच जाने। अब मैं आ रही हूँ। अच्छा बेटा जी जी चले। सर सर एक पिक्चर। क्या कर रहे हो यार, जाओ यहाँ से। सर आप दूल्हे हैं, एक पोर्ट्रेट तो बनवा लें सर। नहीं खिंचवानी मुझे तस्वीर, चले जाओ यहाँ से। अरे ले जाओ इसको यहाँ से, कहा ना नहीं खिंचवानी पिक्चर मैंने। सर दुल्हन आ रही है, अगर आप उनका हाथ पकड़ के स्टेज पे ले आए तो क्या ही पिक्चर बनाऊंगा सर। बताऊ मैं तुझे, चल निकल यहाँ से। क्या ही पिक्चर आएगी। तुम निकाह कर रही हो और तुम मंगनी कर रहे हो। मगर किससे? एक दूसरे से। क्यों बेटा जी, सिर्फ तुम हमें लड़ा सकते हो, हम नहीं। हम भी तुम्हारी माँ है। हाँ तुम दोनों हमें लड़वा रहे थे तो फिर हम इतनी जल्दी कैसे तुम लोगों की बात मान लेते हा? लेकिन एक सेकंड, आप दोनों तो आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन कभी बिछड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और देखो जब ये दोनों इकट्ठी हो गई तो हम कौन होते हैं तुम दोनों को अलग करने वाले। और वैसे भी अगर दामाद इस जैसा होगा तो जांच पड़ताल यहीं आगे खत्म होगी। अरे अरे ढोल वाले भैया ढोल बजाओ। मुबारक मुबारक। और ऐसे मिल गई फखरू को अपनी प्यारी सी दुल्हन या पप्पी, हो गए हैं सारे के सारे हैप्पी। तो हो जाए थोड़ी सी म्यूजिक थेरेपी। तेरे इश्क में ही जलता हूँ जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ मैं। मेरी रूह में तू बसा है, हर सोच में तू सजा है, जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ। रब्बा वे की करा सोनिए सुन जरा, तेरे इश्क दे नशे विच मन लगया। रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया। रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया सुकून तू ही दिल दा करार वे। सहना सकूंगा कदी दिन ये जुदाई दे, तू ही मेरा सच जानी, तू ही मेरा खाब। तेनु वेख वेख जगता हूं, तेरे इश्क में ही जलता हूँ, जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ मैं। मेरी रूह में तू बसा है, हर सोच में तू सजा है, जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ। रब्बा वे की करा सोनिए सुन जरा, तेरे इश्क दे नशे विच मन लगया। रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच।